हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशन फ्रॉम लाइफ। आई नो कि मैंने वीडियो डालना बंद कर दिया है क्योंकि कुछ काम की वजह से मैं इतना बिजी हो गया था और मेरा लैपटॉप जो है वो भी मेरा साथ नहीं दे रहा था वीडियो एडिटिंग के इसमें। सो अभी आई नो कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती हो गई है और मुझे भी फिर भी वीडियो डालना है तो इसलिए मैं डाल रहा हूँ। ओके, सो सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज, उससे मोटिवेशन क्या मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैं कुछ अपने भी पॉइंट्स ऐड करना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात, अगर आप किसी को सच्चे दिल से मानते हैं, ठीक है, किसी को भी, फिर छत्रपति शिवाजी महाराज हो या फिर कोई और आदमी हो, उनके आदर्श उनको फॉलो कीजिए। वो उनकी सोच विचार को अपने सोच विचार में तब्दील कीजिए। एग्जाम्पल दो तो शिवाजी महाराज ने कभी भी देखा नहीं कि सामने वाला पर्सन कौन से जाति का है, कौन से धर्म का है। उन्होंने सभी को अपना माना। अगर सामने वाला उनको तकलीफ दे रहा है, उनको मारने के माइंडसेट से आ रहा है, तो फिर वो भी चुपने बैठे, वो भी उनको मार देते। और अगर सामने वाला दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आ रहा है, फिर छत्रपति शिवाजी महाराज जी नहीं देखते कि वो कौन से जात का है, कौन से धर्म का है, कहाँ का है, ठीक है। तो उसी तरह हम सब ने भी, अगर सामने वाला दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहा है, तो फिर हमने भी उससे दोस्ती करनी चाहिए। अगर वो अपने धर्म के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें बुला रहा है तो हमें भी जाना चाहिए, ठीक है। अगर क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जो बॉडीगार्ड थे, उनमें से कुछ अपने धर्म के भी थे और कुछ दूसरे के धर्म के भी थे, लेकिन कभी भी ऐसा हुआ नहीं कि उनके धर्म की वजह से उनको प्रॉब्लम हुई हो और किसी को भी प्रॉब्लम हुई हो। ओके, सो उस दिन जब इनकी जयंती मनाई जाती है तब हम सब क्या करते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं, रैली निकालते हैं, ढोल ताशा निकालते हैं, वो सब करना ठीक है, लेकिन क्या आपको सही में लगता है कि उससे उनको फायदा होता है। अगर आप उनके सोच विचार फॉलो करेंगे तो ही उनके आत्मा को भी शांति मिलेगी, उनको भी अच्छा लगेगा कि नहीं, मैंने भली एक बंदे को चेंज किया, एक पर्सन को चेंज किया, लेकिन मैंने चेंज किया। ठीक उसी तरह इनकी जयंती हो, उनका दिन हो, तो उनकी जय जयकार करना अच्छी बात है, पर उनका जो सोच विचार है उसे फॉलो कीजिए, उसे अपने जीवन में लाइए, ठीक है। जय हिंद, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र। और बताइए कि कैसा लगा मेरा ये वीडियो। अगर पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आ गया तो अपना टेस्ट चेंज कीजिए और सब्सक्राइब करते हुए जाइए।